बोलिए माँ सरस्वती की जय। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड पहले कवि विलियम शेक्सपियर के बारे में चार पार्ट देख लिए, पांच पार्ट देख लिए, 100 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज छठवां पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्रकाश पब्लिकेशन सुधीर के अरोरा एलटी ग्रेड वाले जो विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन है, लिखा है पहला क्वेश्चन 101 कि इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। ये लाइन किसने लिखी है, कितनी अच्छी लाइन है। इफ वी विश टू नो, यदि हम ये इच्छा करते हैं ह्यूमन जीनियस, मतलब मानव के पास में ह्यूमन जीनियस मतलब मानवी दिमाग परखना चाहते हैं, मानवी दिमाग की ताकत परखना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं परखने की, जानने की इच्छा रखते हैं, तो वी शुड रीड शेक्सपियर, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। और यदि इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, और यदि हमें ये इच्छा है कि हम ये देखें ह्यूमन लर्निंग मानव ज्ञान की इनसिग्निफिकेंस मतलब अमहत्वपूर्ण बातें, इनसिग्निफिकेंस के बारे में अगर ह्यूमन लर्निंग का देखना है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं, वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, उन्होंने जिन्होंने उस पे कमेंट किए हैं उनको पढ़ सकते हैं। कब? जब ह्यूमन लर्निंग की इनसिग्निफिकेंस देखनी हो। कितना अच्छा कोटेशन है, कितनी अच्छी रिमार्क है, किसने रिमार्क ये किया है, तो ये रिमार्क हैजलिट ने किया है। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, यदि हम इच्छा करते हैं जानने की ह्यूमन जीनियस के, बल्कि तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड शेक्सपियर। और इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, यदि हमें मानवीय ज्ञान के या महत्वपूर्ण कार्यों को जान देखना है, तो वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, तो हमें उस पर कमेंटेटर्स जो कमेंट किए हैं लोगों ने, कमेंट करने वालों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें किसी ये इच्छा है तुम्हारे दिमाग में कि मानवीय ज्ञान का कैसे अमहत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। 102 क्वेश्चन कोटेशन फिर है, लिखा है द पैसेजेस ऑफ शेक्सपियर दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर क्वोटेड अंटिल विद इन दिस सेंचुरी। शेक्सपियर के जो पैसेज हैं, शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा है, जो वी मोस्ट प्राइज, मेरी तरफ से उसको बड़ा इनाम है, मोस्ट प्राइज वर नेवर क्वोटेड, और वो कभी भी क्वोटेड नहीं किए जाएंगे विद इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी तक तो कोई भी उसको क्वोटेड नहीं कर सकता, उनको समझ या उनको उदाहरणित नहीं कर सकता, मतलब उनका उदाहरण जितने अच्छे पैसे शेक्सपियर ने लिखे हैं, कभी भी इस सेंचुरी के अंदर कोई क्वोटेड उनका उदाहरण नहीं दे सकता। The passages of Shakespeare that we most prize were never quoted until within this century. ये कहा है इमर्सन साहब ने, ये किसने लिखा है, इमर्सन साहब ने लिखा है The passages of Shakespeare that we most prize were never quoted until within this century. ये इमर्सन साहब ने लिखा है। 103 He breathed upon dead bodies and brought them into life. Oblique nor sequent centuries could hit. Oblique orbit and sum of Shakespeare's wit. ये कौन कहता है कि he माने वह, breathed माने सांस उसने ली, upon dead मरने पर bodies
हैं, डेड बॉडीज पर उसने सांस ली एंड ब्रॉट और उनको लाया जीवन, मतलब मृतक जी डेड बॉडीज पर उसने सांस ली और उन लोगों में जीवन लाया जो डेड बॉडीज थी। कभी भी नॉर्थ सिक्योंट सेंचुरी, अरे कई शताब्दियों तक कुड हिट, कोई उसको हिट नहीं कर सका। अर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर स्वीट, और शेक्सपियर की जो तर्कपूर्ण बातें थी उनका कोई तोड़ नहीं हो पाया, ऑर्बिट नहीं हो पाया, और ना सम माने कोई उनका जुड़ाव हो पाया, वैसा हो पाया। ही ब्रीच्ड अपॉन डेड बॉडीज, आज उसने डेड बॉडीज पर मृतक लोगों पर ब्रीच सांसें ली एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उसमें जीवन लाया। नॉर्थ सिक्योंट सेंचुरी, जब कई लगातार कई सेंचुरी तक कुड हिट हिट नहीं कर सका कोई, ऑर्बिट एंड सेम ऑफ शेक्सपियर वीट, और कोई सम और ऑर्बिट शेक्सपियर की तर्क पूर्णता का नहीं है। ये जो बात है इमर्सन साहब ने ही कही थी। इमर्सन साहब ने पहला भी कोटेशन कहा था, द पैसेज ऑफ शेक्सपियर दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर क्वाइटेड अंटिल विद इन दिस सेंचुरी। सेंचुरी के बारे में ज्यादा कहते, इस सेंचुरी में कोई उनकी उनके जैसे पैसेज नहीं लिख सका और कोई भी उनका उदाहरण नहीं बन पाया, यही मेरा सबसे मोस्ट प्राइज है। और इसमें भी वो कहते हैं उन्हें मृतक लोगों पर सांसें ली, ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, नॉर सिक्योंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स विट। 104 क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम शेक्सपियर से कह सकते हैं, शेक्सपियर से कह सकते हैं, दैट नेवर हैज ए मैन टर्नड टू लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। ये किसने कहा कि हम शेक्सपियर को कह सकते हैं कि वो कभी भी कोई दैट नेवर हैज ए मैन, उसके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो थोड़ा सा भी ज्ञान होता, सच ग्रेट अकाउंट मतलब इस प्रकार के महान रचनाओं में बहुत सारे उसने निबंध लिखे, ग्रेट अकाउंट, बहुत सारे उसने प्लेज लिखे, लेकिन हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के पास में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास थोड़ा भी ज्ञान होता, जबकि टू सच ग्रेट अकाउंट, जबकि इतने बड़े उसने बहुत सारे प्लेज लिखे। तो ये कहते हैं टी एस एलियट, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज ए मैन टर्नड सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। तो ये बात कही है टी एस एलियट ने, हम शेक्सपियर से कह सकते हैं कि उसके पास कभी भी कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो थोड़ा भी ज्ञान करता, जबकि उसकी इतने अच्छे अकाउंट है, मतलब इतने अच्छे प्लेज इतनी संख्या में है। 105वां, दी रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर, एक उल्लेखनीय बात यह है शेक्सपियर के बारे में कि He is really very good, कि वास्तव रूप में वो बहुत अच्छा था, in spite of all the people who say he is very good, उन लोगों की अपेक्षा जो सब लोग कहते हैं कि वो अच्छे हैं, उनकी अपेक्षा वो वास्तव में बहुत अच्छा था। सबसे remarkable thing, सबसे remarkable बात यही है शेक्सपियर के बारे में। तो ये चीज रॉबर्ट ग्रेव्स ने ये कमेंट लिखा था, किसने, रॉबर्ट ग्रेव्स ने। The remarkable thing about Shakespeare is that he is really very good in spite of all the people who say he is very good. सबसे remarkable thing यही है Shakespeare के बारे में कि वो वास्तव में बहुत अच्छा था, in spite of all, उन सबकी अपेक्षा जो लोग कहते हैं he is very good, कि वह बहुत अच्छा है। Robert Graves, जो लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छा है, और सबसे रिमार्केबल थिंग यही है कि वास्तव में वो अच्छा था, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल, इन सभी लोगों के कहने के बावजूद भी वो वास्तव में अच्छा था। तो ये बात रॉबर्ट ग्रेव्स कहते हैं, कौन कहता है, रॉबर्ट ग्रेव्स। 106 नंबर क्वेश्चन नंबर 106, हु रोट द फॉलोइंग लाइंस इन प्रोलोग टू द टेम्पेस्ट और इंचेंटेड आइलैंड, मतलब किसने प्रोलीव में लिखा है, मतलब किसके टेम्पेस्ट या इंचेंटेड आइलैंड के प्रोलीव में, मतलब उसकी भूमिका में लिखा है, क्या
बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपी बी विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही, मतलब लेकिन शेक्सपियर का मैजिक कॉपी नहीं किया जा सकता, बी विद इन दैट सर्कल वो सर्कल कोई ड्रस्ट नहीं कर सकता, वाक बट ही जो वो सर्कल वाक माने चल गए वो कोई भी सर्कल नहीं चल सकता, अर्थात शेक्सपियर का मैजिक कुड नॉट कॉपी बी विद इन दैट सर्कल नन ड्रस्ट वाक बट ही। शेक्सपियर का लेकिन शेक्सपियर का मैजिक कुड नॉट कॉपी बी विद इन दैट सर्कल नन ड्रस्ट वाक बट ही, शेक्सपियर का मैजिक कॉपी नहीं किया जा सकता, जो वो सर्कल चल गए कोई उसको नहीं चल सकता जो वो चल गए सिवाय उनके सिवा। तो ये कमेंट किसने लिखा है, तो ड्राइडन साहब ने ये कमेंट लिखा है, किसके प्रोल्यूग में, टेम्पेस्ट के प्रेल्यूग में, और दी टेम्पेस्ट का एक नाम दी इंचेंटेड आइलैंड भी है, जादुई द्वीप का भी नाम है, तो इसके प्रेल्यूड में ड्राइडन साहब ने कहा है कि लेकिन शेक्सपियर बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपी बी विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आज के पाठ में, आज के भाग में 107वां क्वेश्चन है, इफ आई से दैट शेक्सपियर, इफ आई से दैट शेक्सपियर, यदि मैं ये कहता हूं कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, मैं ये कहता हूं कि इंटेलेक्ट्स में सबसे महान है, तो आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, तो मैं जहां तक ये यदि मैं ये कहता हूं कि शेक्सपियर इंटेलेक्ट्स माने बुद्धिमत्ता में सबसे महान है, जो लोग बुद्धिमान है इंटेलेक्ट्स है उनमें सब में महान है, तो आई हैव सेड तो समझ लो मैंने कह दिया कि ऑल कंसर्निंग हिम उसके सारे कंसर्निंग के बारे में, लेकिन देयर इज मोर इन शेक्सपियर, लेकिन आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम तो मैंने कह दिया कि मैं सभी को कंसर्न कर रहा हूं सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन शेक्सपियर देयर इज मोर इन शेक्सपियर इंटेलेक्ट, लेकिन शेक्सपियर में शेक्सपियर की बुद्धि में तो और अधिक थी देन वी हैव एट सीन, अगर मैं कभी अभी तक देख पाया हूं जितना शेक्सपियर का बुद्धिमत्ता शेक्सपियर की बुद्धि तो और अधिक थी, इट इज व्हाट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, मैं यही कह सकता हूं कि वो उनके पास जो इंटेलेक्ट था उनके पास जो माइंड था वो अनकॉन्शियस था, देयर इज मोर वर्च्यू उनके पास और अधिक क्वालिटी थी दैट ही हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ, वो स्वयं इस क्वालिटी को जानते थे और कोई दूसरा जान ही नहीं पाया, ये कार्लिले साहब कहते हैं। ये कमेंट किसने लिखा है, कार्लिले साहब कहते हैं कि यदि मैं ये कहूं कि शेक्सपियर अपने जमाने के बुद्धिमान लोगों में से सबसे महान है तो मैं सबको संबोधित कर दूंगा ऑल कंसर्निंग हिम, मैं सबके साथ में उनको कंसर्न कर रहा हूं, लेकिन शेक्सपियर में तो उन सबसे अधिक बुद्धि थी जहां तक अभी तक मैंने देख पाया है, मैं कह सकता हूं कि वो एक अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट थे और उनमें और अधिक गुण था जो शायद उनके सिवा कोई और नहीं जान पाया। इफ आई से दैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम बट देयर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी हैव एट सी इट इज व्हाट आई कॉल एन unconscious intellect there is more virtue in it that he himself is aware of, तो ये कार्लिले ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 108 है, scorn not the sonnet critic you have frowned mindless of its just honors with this key Shakespeare unlocked his heart, ये किसने लिखा है कि सोनेट को स्कॉर नॉट द सोनेट, उन्होंने सोनेट और क्रिटिक को स्कॉर्न ही नहीं किया, यू हैव फ्राउंड तुम घुड़क सकते हो अर्थात घृणा कर सकते हो माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स, उसका इस प्रकार का जो ऑनर है उसका इस प्रकार का जो सम्मान है तो उससे जो है घृणा कर सकते हो, लेकिन वो घृणा जो है माइंडलेस है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट,
और सोनेट से ही उसने जो है दिस की सोनेट जैसी की से शेक्सपियर ने उसका हृदय खोल दिया। मतलब सोनेट का हृदय किसने खोला? शेक्सपियर ने। ये कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि स्कोर नॉट दी सोनेट। उसने केवल स्कोर नहीं किया सोनेट को, ना ही क्रिटिक को। यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स। अरे उस पर घड़ा ना करो माइंडलेस पर, जस्ट ऑनर्स इस प्रकार के सम्मान का। विद दिस की, बल्कि जो सोनेट उसने दिया है उस कुंजी से शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, उसने हृदय अपना खोल दिया। तो स्कोर नॉट दी सोनेट, क्रिटिक यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 109 क्वेश्चन नंबर। हॉइटी टॉइटी ए स्ट्रीट टू एक्सप्लोर, योर हाउस इज द एक्सेप्शन। विद दिस सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर। डिड शेक्सपियर? इफ सो द लेस शेक्सपियर ही हु रोट दीज लाइंस। ये लाइनें किसने लिखी हैं? हॉइटी टॉइटी ए स्ट्रीट टू एक्सप्लोर। अरे एक गली एक्सप्लोर करो, एक गली का निर्माण करो, एक्सप्लोर करो। योर हाउस तुम्हारा घर जो है इसका अपवाद है। विद दिस सेम की और इसी तरीके की, सेम की शेक्सपियर, शेक्सपियर एक ऐसी और से इसी प्रकार की जैसी सोनेट की है, ऐसी एक और की लाओ और अनलॉक हिज हार्ट, और एक बार फिर हृदय को उसके अनलॉक कर दो। वंस मोर, एक बार और आओ। ये शेक्सपियर, डिड शेक्सपियर, क्या नहीं पाओगे? इफ सो, यदि ऐसा तो लेस शेक्सपियर ही। तो ये लाइनें लिखी हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हाउस पोयम में। किसमें? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हाउस, उनकी जो रचना है उसमें लिखी है। हॉइटी टॉइटी ए स्ट्रीट टू एक्सप्लोर, योर हाउस इज द एक्सेप्शन। विद इन, विद दिस सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर। डिड शेक्सपियर? इफ सो द लेस शेक्सपियर ही। ये लिखा है रॉबर्ट ब्राउन ने हाउस पोएम। बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन है। हॉइटी टॉइटी ए स्ट्रीट टू एक्सप्लोर, अरे हॉइटी टॉइटी एक स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारा हाउस जो है वो इसका अपवाद है, और इस सेम की से शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, उसका हृदय अनलॉक कर दो एक बार और। क्या शेक्सपियर ऐसा नहीं कर सकते हो? यदि सो, यदि ऐसा कर सको तो लेस शेक्सपियर ही, तब वास्तव में तुम शेक्सपियर से कम नहीं। 110वां क्वेश्चन नंबर 110वां। शेक्सपियर वाज द मैन, शेक्सपियर वह व्यक्ति है जो ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। शेक्सपियर आधुनिक कवियों और शायद जितने प्राचीन कवियों उन सब में लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आत्मा उनके पास थी। शेक्सपियर वो व्यक्ति है जो आधुनिक कवियों और शायद प्राचीन कवियों में सब में अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आत्मा उनके पास थी। तो ये ड्राइडन साहब कहते हैं, शेक्सपियर वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये ड्राइडन साहब ने टिप्पणी की है। शेक्सपियर आधुनिक कवियों और शायद प्राचीन कवियों में भी देखा जाए तो उनके पास सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आत्मा थी। 111वां रूल नंबर 111वां क्वेश्चन नंबर। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वुमेन, फॉर इन द कमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। ये लिखा है जॉर्ज गॉर्डन ने, जी ओ आर डी ओ एन, जॉर्ज गॉर्डन साहब ने लिखा है कि शेक्सपियर पर, शेक्सपियर की कमेडीज पर जितने लेक्चर हुए हैं वो कहीं न कहीं टेंड हैं बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वुमेन। तो जितने भी शेक्सपियर की कमेडी पर लेक्चर हुए हैं वो कुछ सारे के सारे लेक्चर जो हैं शेक्सपियर की वुमेन पर हो गए, जो शेक्सपियर की नायिका हैं उन पर हो गए हैं। और किसके लिए? फॉर इन दी कमेडीज, कमेडीज के लिए दे हैव दी फ्रंट ऑफ स्टेज, और वो जो कमेडी के लिए सबसे पहले स्टेज पर आई थी उन्हीं पर वो कमेंट हो गए हैं। जितने भी शेक्सपियर की कमेडीज पर लेक्चर लिखे गए
वो सारे के सारे लेक्चर जो है शेक्सपियर की वुमेन पर हो गए, और वे वुमेन जो कॉमेडीज में सबसे पहले फ्रंट पर आई हैं स्टेज में। तो ये जॉर्ज गॉल्डर साहब लिखते हैं, आल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। एंड शेक्सपियर की कॉमेडीज पर, शेक्सपियर की कॉमेडीज के टेंड पर जितने लेक्चर लिखे गए वो सब शेक्सपियर की वुमेन पर लेक्चर हो गए। और वे लेडीज, वे कॉमेडी जिनमें फ्रंट पर, फ्रंट स्टेज पर वुमेन आई, इसीलिए जितने भी लेक्चर उनकी कॉमेडी पर लिखे गए वो सब किस पर हो गए, शेक्सपियर वुमेन पर। ऐसा जॉर्ज गॉर्डन साहब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा He is Euclid at home and has the whole range of femininity at his command. चाहे क्लियोपेट्रा हो चाहे मिरांडा, मतलब क्लियोपेट्रा से लेकर मिरांडा तक, वह समान रूप से Euclid at home, वो घर पर ही रहा और उसके पास पूरी रेंज रही फेमिनिटी की, अपनी कमांड, उन सभी पर उसने अपनी कमांड रखी। क्लियोपेट्रा और मिरांडा रही जरूर, नायिका औरतें रही, लेकिन समान रूप से उनको घर पर ही रखा, अर्थात विचार घर ही वाले लाए और पूर्ण रूप से पूरी रेंज में फेमिनिटी, मातृता, मतलब घर पर से उसने रचे, लेकिन मात्र जो उसके अंदर लेडीजपन था, औरतपन था, वो बिल्कुल होल रेंज में है, उसकी कमांड में। तो ये कहते हैं जॉर्ज गॉर्डन ने ही कहा है, उन्हीं ने ही ये कहा है, जॉर्ज गॉर्डन ने जो पिछला कमेंट कहा था कि ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। हैं, और वही ये कहते हैं कि चाहे क्लियोपेट्रा से मिरांडा तक उसने समान रूप से घर पर रहा और उसने औरतपन का पूरी रेंज में लिखा और उसके कमांड में भी औरतपन रहा, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें बिल्कुल औरतों जैसी फीलिंग उसने भर दी, ये जॉर्ज गॉर्डन ने लिखा है। 113वां क्वेश्चन, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंसनेक्ट, हुज रिमार्क इज अबाउट शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के बारे में किसने कमेंट किया है, रिमार्क किया है, कितनी अच्छी है कि उसकी ट्रेजेडी बुद्धिमत्ता भरी दिखती है, स्किल, और उसकी कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, और उसकी कॉमेडी में इंस्टिंक्ट दिखता है, उसकी ट्रेजेडी में स्किल दिखती है, उसकी कॉमेडी में ट्रेजेडी में स्किल दिखती है और कॉमेडी में इंस्टिंक्ट दिखता है, INSTINCT, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट। ये रिमार्क जो है डॉक्टर जॉनसन ने दिया है, किसने, डॉक्टर जॉनसन ने दिया है। 114वां क्वेश्चन, The source of Merchant of Venice, Merchant of Venice का source क्या है? तो Merchant of Venice का source जो गिवानी साहब ने एक लिखी थी रचना, Second Picorne, A Collection of Tales, गिवानी फ्योरेंसियो ने जो रचना लिखी थी, गिवानी फ्योरेंटिनो ने जो रचना लिखी थी, Second Picorne, A Collection of Tales, एक रचना है, सेकेंड Picorne, PECORONE, सेकेंड Picorne ने रचना लिखी थी, एक कलेक्शन ऑफ टेल्स है जो, अब लिखी किसने थी, गिवानी फिरेंटिनो, FIORENTINO, गिवानी फिओरेंटिनो ने रचना लिखी थी, सेकेंड Picorne, एक कलेक्शन ऑफ टेल्स, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस इसी से कहानी ली गई है, सेकेंड Picorne, ए कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय गिवानी फिरेंटिनो। 115वां क्वेश्चन, ट्वेल्थ नाइट का क्या सोर्स है? ट्वेल्थ नाइट जिसका व्हाट यू विल, ये है 1600, व्हाट यू विल 1601 में जो लिखी गई थी कॉमेडी है जो, ट्वेल्थ नाइट, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है The story Apollonius and Scylla in Barnaby. इसका सोर्स क्या है? The story Apollonius and Scylla in Barnaby reaches his farewell to military profession.
रिच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। रिच साहब ने एक लिखी है हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, अपनी विदाई के समय मिलिट्री प्रोफेशन को विदाई करते समय उसने लिखा था। क्या लिखा था? ए स्टोरी ऑफ अपोलियस एंड सिला इन बारनेबी। तो उसी वही इसका सोर्स है, किसका? 12th नाइट का, जो 1601 में लिखी गई थी 12th नाइट व्हाट यू गिव द स्टोरी ऑफ अपोलिनियस एंड सिला इन बारनेबी और रीच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। रीच ने अपने विदाई समारोह में मिलिट्री प्रोफेशन को ए स्टोरी अपोलिनियस एंड सिला इन बारनेबी जो है उसका ही सोर्स है उसी का। अच्छा, मैकबेथ का क्या सोर्स है? तो मैकबेथ जो ट्रेजेडी है 1606 में लिखी गई थी, मैकबेथ का सोर्स है क्रॉनिकल्स बाय राफेल होलिंगशेट। क्रॉनिकल्स जो स्कॉटलैंड आयरलैंड इंग्लैंड है जिसे राफेल होलिंगशेट ने लिखा है, क्रॉनिकल्स ऑफ आयरलैंड इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड इंग्लैंड जो है राफेल होलिंगशेट ने लिखा था, तो मैकबेथ का वही सोर्स है। 117वां क्वेश्चन, द न्यू शेक्सपियर, लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड, द एलिजाबेथन शेक्सपियर, द एसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून्स ऑफ फालस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज, ये वर्क किसके हैं? ओ, इतने वर्क, कौन कौन इतने वर्क हैं, क्रिटिसिज्म आलोचना है शेक्सपियर पर, द न्यू शेक्सपियर, लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड, पहली रचना द न्यू शेक्सपियर, दूसरी लाइफ इन शेक्सपियर्स इंग्लैंड, तीसरी द एलिजाबेथन शेक्सपियर, चौथी द एसेंशियल शेक्सपियर, पांचवी फॉर्चून्स ऑफ फालस्टाफ, छठवी व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, सातवीं शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज। ये रचना सारी की सारी जे डॉवर विल्सन की हैं, जे डॉवर विल्सन की हैं और सारी की सारी शेक्सपियर पर ही लिखी गई हैं। कौन कौन? द न्यू शेक्सपियर, लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड, द एलिजाबेथन शेक्सपियर, द एसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून्स ऑफ फालस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज। ये सारी रचनाएं जो हैं जे डॉवर विल्सन की हैं। 118वां क्वेश्चन, दिस थिएटर वाज बिल्ट बाय शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी। ये थिएटर जो था शेक्सपियर की जो कंपनी अभिनय करती थी उसके द्वारा बनाया गया। नाम क्या था उसका? द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जो लोग उनकी कंपनी थी एक्टिंग करती थी, जो शेक्सपियर की कंपनी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, उन्हीं के द्वारा ये थिएटर बनाया गया। कब बनाया गया? 1599 में। शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी थी जिसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, उसी के द्वारा 1599 में ये थिएटर बनाया गया। इट वॉज ए राउंड वुडन स्ट्रक्चर, इसमें जो है राउंड गोल गोल राउंड वुडन स्ट्रक्चर था और जिसमें विद बालकनीज फॉर द जेंट्री, दर्शकों के लिए जिसमें बालकनी भी थी। वाह, राउंड वुडन स्ट्रक्चर, गोल गोल लकड़ी का स्ट्रक्चर से बना था जिसमें बालकनी बैठने के लिए दर्शकों के लिए थी। और इट बर्न डाउन ऑन 29 जून 1613, जो 29 जून 1613 को जल भी गया। मतलब शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी दी लॉर्ड चैम्बरलेन मैन के द्वारा ये निर्मित किया गया 1599 में। एक राउंड वुडन स्ट्रक्चर बालकनीज फॉर दी जेंट्री इसकी रचना थी। 29 जून 1613 को जल भी गया जब हेनरी एट प्रकाशित हो रहा था। हेनरी एट जो ऑल इज ट्रू भी कहा जाता है, 1613 में लिखा गया था, उसी साल प्रकाशित हो रहा था। 29 जून 1613 को ये जल भी गया। तो ये थिएटर किसकी बात हो रहा है? ना होप थिएटर, ना दी कर्टेन थिएटर, थिएटर था ये ग्लोब, दी ग्लोब ये था। 119 क्वेश्चन नंबर 119, दी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन आल्सो बिल्ट ए थिएटर इन 1608। एक थिएटर और बनाया गया 1608 में। बनाया किसने?
लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ने ही बनाया, मतलब शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी ने ही बनाया 1608 में एक थिएटर और एक बनाया 1599 में, लेकिन एक दूसरा थिएटर 1608 में लॉर्ड चैम्बरलेन के मैन ने बनाया, अर्थात शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी ने ही बनाया। इट वॉज ए स्मॉल थिएटर, ये थोड़ा छोटा थिएटर था, विच कुड एडजस्ट 7 पीपल, इसमें केवल 700 लोग ही आ सकते थे, ये थोड़ा छोटा थिएटर था। इट वॉज यूज इन विंटर वेन द यूज ऑफ द ओपन एयर क्लोब वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये तब यूज किया जाता था विंटर सीजन में, किसमें, ये जो थिएटर था लॉर्ड चैम्बरलेन मैन के द्वारा बनाया गया था 1608 में, ये थोड़ा छोटा थिएटर था और इसमें लगभग 700 लोग आ जाते, ये सर्दियों में यूज किया जाता था जब ग्लोब का खुली हवा में यूज करना संभव नहीं था, संभवता संभव नहीं था, खुली हवा होती थी विंटर में, तो ग्लोब थिएटर जो 1599 में बना था 29 जून 1613 को जल गया था, तो ग्लोब थिएटर को सर्दियों में खुली हवा में यूज करना संभव नहीं था, तो इसीलिए 1608 में लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी ने 1608 में 700 लोग जिसमें आ सकते थे उसका निर्माण किया विंटर के लिए ही। तो आपको इस थिएटर का नाम बताना है, तो इस थिएटर का नाम है ब्लैक फ्रीरर्स थिएटर, क्या नाम है, ब्लैक फ्रीरर्स थिएटर, ब्लैक फ्रीरर्स थिएटर। 120वां क्वेश्चन, हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लॉज थी बाई चौसर और स्पेंसर, ये कौन कहता है कि मेरे शेक्सपियर और पूछता है उठो क्या तुम उठोगे नहीं, लॉज थी बाई चौसर और स्पेंसर है, जो लॉज थी बाई चौसर और स्पेंसर, चौसर और स्पेंसर के पास लॉज हो जाओगे है, उन्हें की तरह लॉज हो जाओ चौसर और स्पेंसर की तरह, उठो क्या तुम उठोगे नहीं मेरे शेक्सपियर, ये बेन जॉनसन कहते हैं, लॉज थी बाई चौसर और स्पेंसर, राइज एज ही विल लॉज थी बाई चौसर और स्पेंसर, ये बेन जॉनसन कहते हैं माई शेक्सपियर। 121वां क्वेश्चन कहता है वी कॉल शेक्सपियर, कौन शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवन कहा था, किसने शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवन कहा था, तो स्वीट सॉन ऑफ एवन बेन जॉनसन ने ही कहा था शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवन, किसने शेक्सपियर को ए ड्रंकन सोएज विद सम इमेजिनेशन कहा था, ए ड्रंकन सोएज विद सम इमेजिनेशन, ए ड्रंकन सोएज, एक ड्रंकन सोएज है कुछ इमेजिनेशन के साथ में, मतलब एक ऐसा ड्रंकन सोएज है जो थोड़ी बहुत कल्पनाएं उसके पास है, बाकी तो वो दूसरी चीजें हैं, मतलब सोएज मतलब गुलाम है किसी दूसरे का, ए ड्रंकन सोएज विद सम इमेजिनेशन है, ये वॉल्टेयर ने कहा था। कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही, माई शेक्सपियर है उठो क्या तुम लोज करते रहोगे, लोज थी क्या तुम भी लोज करोगे, चौसर और स्पेंसर के द्वारा जैसे वो करते हैं, हैं? स्वीट सॉन ऑफ एवन, ये बेन जॉनसन ने कहा, लेकिन अब वॉल्टेयर कहते हैं कि एक ड्रंकन सोएज विद सम इमेजिनेशन, बेन जॉनसन ने बड़ा अपनत्व दिखाया, माई शेक्सपियर राइज उठो एज ही विल लॉज थी बाई चौसर और स्पेंसर, फिर कहा स्वीट सॉन ऑफ एवन, लेकिन वॉल्टेयर तो आग बोलने लगे, उन्होंने कहा ये ड्रंकन सोएज विद सम इमेजिनेशन है, शेक्सपियर है ही क्या, वो तो ड्रंकन सोएज है, पूर्ण रूप से डूबा हुआ गुलाम है दूसरी की रचनाओं में, थोड़ा बहुत कल्पना है, विद सम इमेजिनेशन, ए ड्रंकन सोएज विद सम इमेजिनेशन। 123वां क्वेश्चन है हु हैज रिटन ए स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच, मतलब ये किसने कहानी लिखी है, कौन सी कहानी, The Portrait of Mr. W.H. The Portrait of Mr. W.H. ये कहानी लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने, किसने लिखी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है The Portrait of Mr. W.H. The Portrait of Mr. W.H. नामक कहानी ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। 124वां क्वेश्चन Whose remark is this? किसने ये कहा है, क्या, When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. ये D.H. Lawrence का कथन है कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तब मुझे स्ट्रक मुझे
झटका लगता है, विद वंडर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, आश्चर्य के साथ में झटका लगता है कि सच ट्रिवियल पीपल। ऐसे भी ट्रिवियल लोग हैं जो म्यूज एंड थंडर, इतना म्यूज और थंडर स्टाइल में लिख सकते हैं इन सच लवली लैंग्वेज है। इस प्रकार की प्यारी भाषा में इतने भी म्यूज होने चाहिए, मतलब सच ट्रिवियल, इस प्रकार के ट्रिवियल पीपल म्यूज करते हैं, थंडर करते हैं, मतलब धाड़ करते हैं। और इस प्रकार की प्यारी भाषा में ऐसे भी लोग हैं, हैं? ये कहते हैं कौन, डी एच लॉरेंस, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ये कमेंट करते हैं डी एच लॉरेंस, 125वां। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, किसने रिमार्क किया है विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये किताब किसने लिखी है, ये किताब स्टेनले वेल्स ने लिखी है, किसने, स्टेनले वेल्स ने लिखी है, कौन किताब, विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये किताब स्टेनले वेल्स ने लिखी है। और ये जो विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये 2015 में प्रकाशित हुई OUP के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित कराई गई, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के द्वारा प्रकाशित कराई गई 2005 में। स्टेनले वेल्स ने इस किताब को लिखा था, विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ये किताब बहुत सुंदर है विलियम शेक्सपियर के जानने के लिए, 2015 में प्रकाशित की गई, स्टेनले वेल्स ने लिखी थी और प्रकाशित कराई गई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इस भाग में 125 तक ही क्वेश्चन रखे, आगे के भाग में शेष क्वेश्चन आएंगे। चर्चा बहुत अच्छी हो जाती है, इनको बार बार देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलिए माँ सरस्वती की जय।